So hey there, what's going on YouTube? Welcome back to a brand new video here on the channel. मेरा नाम है डोमेंद्रा और आज के इस वीडियो में आप लोग जो है बात करने वाले हैं दो लैपटॉप्स के बीच कंपैरिजन की. सबसे पहला लैपटॉप होने वाला है यार ASUS का TUF डैश F15 और उसके साथ साथ हम लोगों ने कॉम्पिटिटर में उतारा है अपने MSI GP65 को. तो यार बेसिकली इन दोनों लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, बट जो जनरेशन और जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड और एडवांस्ड है. तो बात करते हैं यार इन दोनों लैपटॉप के डिज़ाइन के बारे में. तो बेसिकली यार इन दोनों लैपटॉप्स मेरे को चूज़ करने के लिए बोलेंगे तो मैं चूज़ करूँगा ASUS का डिज़ाइन जो है. क्यों? क्योंकि यार उसका डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा नया और यूनिक टाइप का लगता है, जबकि ऑन दी अदर आप जो है MSI GP65 के डिज़ाइन को देखते हो तो आपको वही पुराना ओल्ड जेनेरिक टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है जो MSI के लैपटॉप्स के साथ आता है. आपको यहाँ पे जो यार दोनों लैपटॉप्स की जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिलती है. किसी भी टाइप से आपको जो बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है इन दोनों लैपटॉप के बॉडीज़ के साथ. इसके साथ साथ अब इस लैपटॉप के अगर जो है हम लोग चैसी की बात करें तो दोनों के दोनों लैपटॉप जो है सॉलिड चैसी के साथ आते हैं. यहाँ पे आपको जो ASUS के साथ आपको मिलिट्री ग्रेड टाइप का जो प्लास्टिक है वो देखने को मिलता है, पता नहीं है कि नहीं है बट यहाँ पे वेबसाइट में ऐसा मेंशन था. तो अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप के डिस्प्लेस के बारे में. इन दोनों लैपटॉप के जो डिस्प्ले का साइज़ है 15.6 इंचेस है. दोनों लैपटॉप में आपको जो है IPS पैनल देखने को मिलता है और इन दोनों लैपटॉप में यार देखो दोनों लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का डिस्प्ले है, आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता. कलर्स दोनों लैपटॉप के काफ़ी ज़्यादा पंची और शार्प प्रोड्यूस होते हैं. इसके साथ साथ आपको जो है MSI में दो टाइप का डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिलता है. ऑन दी अदर हैंड आपको जो है ASUS में तीन टाइप का डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिलता है. ASUS के अगर डिस्प्ले वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है पहला वेरिएंट जो है फुल HD 144Hz के साथ देखने को मिलता है. जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको जो है फुल HD 240Hz के साथ देखने को मिलता है. जो तीसरा वेरिएंट है यार वो है आपको WQHD 65Hz के अराउंड जो है देखने को मिलता है. यहाँ पे अगर MSI की बात करें तो यहाँ पे आपको जो 120Hz फुल HD देखने को मिलता है. सेम डिस्प्ले आपको जो 144Hz के साथ भी देखने को मिलता है. तो यहाँ पे जो ASUS के साथ ज़्यादा वेरायटी है डिस्प्ले के मामले में. तो अगर बेजल्स की बात करें इन दोनों लैपटॉप में तो आपको ASUS में थोड़े पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू MSI GP65. और डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको यार जो कॉम्पैक्ट साइज़ आपको ASUS TUF में देखने को मिलता है, MSI GP65 जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज़ में, मोटाई में और कॉम्पैक्टनेस में. इसके साथ साथ अगर इसके वेट की बात करें तो ASUS का जो लैपटॉप है आपको 2 kg के अराउंड देखने को मिलता है, जबकि जो MSI GP65 है वो 2.3 kg के अराउंड आता है. तो यहाँ पे यार जो वेट है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा भारी देखने को मिल जाता है MSI के साथ. अगर आपको जो है हल्का लैपटॉप चाहिए तो आप जो है डेफिनेटली ASUS को जो कंसिडर कर सकते हैं. इसके साथ साथ अगर ASUS के कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, जबकि MSI में आपको जो है ब्लैक कलर का ही वेरियंट देखने को मिलता है. आपको ज़्यादा वेरियंट्स के ऑप्शन ही नहीं मिलते MSI में. तो अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप के कीबोर्ड और ट्रैक पैड के बारे में. तो यहाँ पे आपको ASUS में जो चिकलेट टाइप का कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि बैकलिट कीबोर्ड है. ऑन दी अदर आपको जो GP65 में यार आपको जो है RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, और ये जो है ऐसा वैसा RGB कीबोर्ड नहीं है, आपको जो है पर की RGB देखने को मिलता है. मतलब आप जो है सिंगल की को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. इसी के साथ साथ आपको जो है ASUS में फुल कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता, मतलब आपका जो है नम पैड गायब रहेगा. ऑन दी अदर हैंड आपको MSI GP65 में फुल कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी और यूज़फुल होता है एज अ मेरे नज़रों में. इसके साथ साथ एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता देना चाहता हूँ, इन दोनों लैपटॉप के ट्रैक पैड्स यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. मतलब आपको उस प्राइस रेंज में जितने भी लैपटॉप देखने को मिलते हैं उनके ट्रैक पैड्स आप जो सस्टेनेबल मान सकते हो, आपको ट्रैक पैड में कोई दिक्कत नहीं आएगा. तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में. तो यार देखो लैपटॉप का प्रोसेसर दोनों के दोनों लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और सही टाइप का प्रोसेसर लगा है, बट यहाँ पे आपको ASUS वाले में 3 वेरिएंट सेलेक्ट करने को मिल जाते हैं, जबकि MSI में आपको जो सिंगल वेरिएंट सेलेक्ट करने के लिए मिलता है. तो यार इन लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो आपको ASUS TUF डैश F15 में जो है 11th Gen इंटेल कोर i5-11300H देखने को मिलता है, जो कि 4 कोर एड थ्रेड का प्रोसेसर है. बेस फ्रिक्वेंसी इस प्रोसेसर का जो है 3.1 GHz है,
और इसके साथ साथ जो है बूस्ट होके 4.40 गीगाहर्ट्ज के साथ मिल जाती है आपको। इसके साथ अगर इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 11th जेन इंटेल कोर i7-11370H देखने को मिलता है, जो कि अगेन 4 कोर 8 थ्रेड का ही प्रोसेसर है। बेस फ्रिक्वेंसी इस प्रोसेसर की जो 3.3 गीगाहर्ट्ज है, जो कि बूस्ट होके 4.80 गीगाहर्ट्ज तक के चली जाती है। इसके साथ साथ अगर इस लैपटॉप के तीसरे प्रोसेसर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको अगेन 11th जेन इंटेल कोर i7-11375H देखने को मिलता है, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है, जिसकी बेस फ्रिक्वेंसी है 3.30 गीगाहर्ट्ज और ये जो बूस्ट हो सकता है 5.0 गीगाहर्ट्ज तक के। इसी के साथ अगर MSI GP65 की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 10th जेन इंटेल कोर i7-10750H देखने को मिलता है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, जो कि बेस फ्रीक्वेंसी 2.6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, जो कि बूस्ट हो सकता है 5.0 गीगाहर्ट्ज तक के। इसी के साथ साथ इन दोनों लैपटॉप के अगर पावर्स की बात करें तो आपको जो है इंटेल वाले जो 11th जेन वाला है वहाँ पे आपको 35 वाट का कंजम्पशन देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड आपको MSI GP65 में 45 वाट्स के कंजम्पशन देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के कंपैरिजन के बारे में। तो देखो, जो ASUS वाला लैपटॉप है वो NVIDIA की ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है, बट एक जेन अप आता है, मतलब आपको इसमें 30 सीरीज का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो देखने को मिलता है, बट MSI में आपको जो है लास्ट जेन का जो है ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि 20 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है। तो इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में, अगर आप जो है ऑन दी अदर हैंड डे टू डे डेली टास्क में अगर आप जो है चेक करोगे तो। बट यार मेरा काम है आपको बताना कि आपको कौन सा लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चालू करते हैं इन दोनों लैपटॉप के ग्राफिक्स कंपैरिजन को। तो देखो, जो ASUS वाला है वो NVIDIA के GeForce RTX 3060 के साथ आता है। यहाँ पे आपको जो 6GB GDDR6 मेमोरी देखने को मिल जाता है, जो कि 85W की TDP के साथ आता है। ऑन दी अदर हैंड MSI GP65 में भी आपको जो है NVIDIA GeForce RTX 2060 देखने को मिलता है, जो कि 6GB GDDR6 मेमोरी है और यहाँ पे आपको जो है 110W का जो है TDP देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें ASUS वाले में, तो आपको जो है NVIDIA का GeForce RTX 3070 देखने को मिलता है, जो कि 8GB GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। यहाँ पे अगेन आपको जो है 85W का TDP देखने को मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप GP65 की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है NVIDIA का GeForce RTX 2070 देखने को मिलता है, जो कि अगेन 8GB GDDR6 VRAM वाली ग्राफिक्स कार्ड है। यहाँ पे आपको जो है TDP 115 का देखने को मिलता है, जो कि ASUS वाले दोनों ग्राफिक्स कार्ड के TDP से ज़्यादा है। तो अब अगर आप जो इन दोनों लैपटॉप में किसी भी टाइप का जो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग बेंचमार्क्स रन करते हो तो ऑब्वियसली बात है यार कि आपको जो है ज़्यादा बेंचमार्क्स देखने को मिलेगा ASUS वाले लैपटॉप में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको नया जनरेशन का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप के कनेक्टिविटी इन पोर्ट्स के बारे में। तो इन दोनों लैपटॉप में अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको सारे के सारे जो नए नए चीज़ें मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई 6 हो गया या फिर ब्लूटूथ 5.0 का जो सपोर्ट होता है, वो दोनों के दोनों इन दोनों लैपटॉप्स में देखने को मिल जाते हैं। पर दोनों के दोनों लैपटॉप के जो भी मेंशन्ड चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिमिलर टाइप के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं दोनों लैपटॉप में, बट यहाँ पे मैं आपको की डिफरेंस बता देता हूँ इन दोनों लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के पोर्ट्स में। तो जो पहला डिफरेंस है यार, देखो, आपको जो टाइप सी पोर्ट ASUS वाले लैपटॉप में मिलता है वो जो है आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट देखने को मिलता है, जबकि आपको MSI GP65 में जो है नॉर्मल पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो है कंबाइंड ऑडियो जैक देखने को मिलता है ASUS वाले में, जबकि आपको जो सेपरेट देखने को मिलता है MSI GP65, मतलब आपको यहाँ पे 2 पोर्ट देखने को मिलता है, एक जो होगा ऑडियो इन का, एक जो होगा ऑडियो आउट का। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ASUS में किसी भी टाइप का कार्ड रीडर जो है देखने को नहीं मिलता, मतलब जो कार्ड रीडर वाला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। MSI GP65 में डेडिकेटेड कार्ड रीडर का स्लॉट है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 डिफरेंस देखने को मिल जाता है इन दोनों लैपटॉप के पोर्ट्स में, बाकी यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है इन दोनों लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के बैटरीज के बारे में। तो ASUS का जो लैपटॉप आता है वो आता है 76 वाट आवर 4 सेल लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ। इसी के साथ जो MSI GP65 का जो बैटरी आता है वो आता है 51 वाट आवर का 6 सेल लिथियम आयन बैटरी के साथ। बैटरी लाइफ की बात करें तो इन दोनों लैपटॉप्स में आपको जो है ASUS वाले लैपटॉप में जो है 11 आवर्स के अराउंड जो है बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है, बट जो MSI GP65 लियोपर्ड है उसकी जो बैटरी लाइफ है बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इन दोनों लैपटॉप्स में जो है बैटरी आपको जो है ASUS वाले में ज़्यादा अच्छी चलनी देखने को मिलेगी। क्योंकि यार MSI का जो लैपटॉप का जो ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन तो कुछ नहीं होता इसमें,
बट यहाँ पे आपको जो 1.5 से 2 घंटे के अराउंड आपको MSI GP65 में बैटरी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको किसी भी टाइप से फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है MSI GP65 में। तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप्स की मेमोरी और स्टोरेज के बारे में। इन दोनों लैपटॉप्स में यार आपको जो है ASUS वाले में जो है 16 GB का रैम जो है ऑन बोर्ड फिक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है एक एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा रैम के लिए। इसके साथ साथ MSI GP65 में आपको 2 RAM स्लॉट देखने को मिलते हैं, मतलब आप जो है 2 RAM निकाल के अलग चेंज कर सकते हैं उन दोनों रैम्स को। इसके अलावा इन दोनों लैपटॉप की स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको ASUS वाले में जो है 512 GB एंड 1 TB SSD का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है 2M.2 स्लॉट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं MSI GP65 की, तो यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा M.2 SSD का स्लॉट देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे आपको 2 स्टोरेज टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि 256 GB है और जो है 512 GB है। और एक चीज़ यार यहाँ पे आपको जो है 1 TB का जो है HDD भी देखने को मिल जाता है जो कि आप जो है बाद में उसको SATA SSD भी लगा के जो है यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप के फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि आपको जो है कौन सा लैपटॉप ज़्यादा अच्छा प्रीफर करना चाहिए। तो बेसिकली यार आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, आप सिंपली जो है ASUS के लैपटॉप को उठा सकते हो अगर आपको ज़्यादा घुमा फिरा के जो चीज़ें आपको नहीं देखनी है तो, क्योंकि आपको ज़्यादा नया हार्डवेयर देखने को मिलता है, ज़्यादा कैपेबल ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है इस वाले लैपटॉप में। तो अब बात करते हैं यार मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में कि मैं क्या सोचता हूँ इन दोनों लैपटॉप के। तो यार मैं अगर देखूँ i5 3060 को i7 2060 के साथ तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स जो है ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, बट जो आपको MSI में है उसमें ग्राफिक्स आपको कम देखने को मिलता है, बट जो प्रोसेसर है वो आपको MSI में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ASUS वाले में। तो मेरे दोस्त जो कि लैपटॉप बाय करना चाह रहे थे, आप जो है कमेंट में जो कमेंट किए थे, तो आप जो है अगर आपको प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए, प्रोसेसिंग मतलब CPU वाला जो टास्क ज़्यादा करते हो, तो आप जो है MSI GP65 को उठाओ। और अगर आप जो है GPU रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा करते हो तो आप जो है RTX 3060 वाला वेरियंट ASUS का उठाओ। इसके साथ साथ और 2-4 चीज़ें के बारे में आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं। जो आपका i7 वाला जो वेरिएंट है ASUS वाला, वो आपके i7 MSI वाले वेरिएंट से एक बार भी ज़्यादा फास्ट नहीं है। मतलब कुछ कुछ चीज़ों में सिंगल कोर परफॉर्मेंस में जो है वो फास्ट है, जो नया जनरेशन का प्रोसेसर वो ज़्यादा फास्ट है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप जो है मल्टी कोर देखोगे परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आपको जो है i7 जो MSI में लगा है वो ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यार देखो यहाँ पे आपको 4-कोर R-थ्रेड देखने को मिलता है जबकि आपको यहाँ पे 6-कोर 12-थ्रेड देखने को मिलता है। तो आप जो वाइजली चूज़ करना इन दोनों लैपटॉप में, बट अगर मेरा पर्सनली सजेशन मैं आप लोग को दूँ तो अगर मेरा बजट टाइट रहता और मैं अगर नया लैपटॉप ख़रीदना चाहता तो मैं जो है MSI GP65 को ऑप्ट करता। क्यों? क्योंकि मेरे को जो है प्रोसेसिंग पावर जो है ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर। यार RTX 2060 उतना ज़्यादा नीचे का ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, बट अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए, आपको नया डिज़ाइन चाहिए और आपको ज़्यादा नया हार्डवेयर अपडेटेड चाहिए, आपको एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन चाहिए, तो आप जो है ASUS को ही ऑप्ट करना मेरे हिसाब से। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, 97% लोग जो है वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब किया करो यार, थोड़ा सा हजार सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो यार, जाना तो 1 मिलियन है बट कर दो यार, सब्सक्राइबर सब कर दिया करो अगर ऐसा टाइप का वीडियो देखना है तो। फिर टाटा बाय बाय, गुड बाय।